टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। ये है वो तीन महिला जो क्षेत्र में भीख मांगकर ये देखती थी कि लोग कितने संपन्न हैं और इनके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाए तो अच्छी रकम और माल हाथ लग सकता है। लगातार क्षेत्र में हो रही वारदात से जनपद की पुलिस परेशान थी। मुखबिर की सूचना पर थाना सियाना और थाना खानपुर की पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में 7 शातिर डकैती गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस डकैती गैंग में 4 पुरुष और 3 महिला भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि इस गैंग की महिलाएं पहले आसपास के इलाकों में जाकर रेकी करती थी और रेकी करने के दौरान ही मकानों को चिन्हित कर दिया जाता था। जिन मकानों को इस डकैती गैंग की महिलाएं सुबह चिन्हित करके आती थी, उन्हीं मकानों में रात में इस गैंग के पुरुष सदस्य डकैती को अंजाम देने के लिए घरों में घुस जाते थे। ये लोग पहले चोरी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर घर के मालिक या सदस्य जाग जाते हैं तो इन लोगों के पास भारी मात्रा में हथियार भी रहते हैं। इन्हीं हथियारों के बल पर ये डकैती की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। पुलिस ने बताया कि इस गैंग ने पिछले कुछ दिनों में थाना खानपुर और थाना सियाना क्षेत्र में डकैती और चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। वहीं इस अंतरजनपदीय डकैती गैंग ने कुछ महीने पहले ही थाना अमरोहा में भी घटना को अंजाम दिया था। डकैती गैंग से पुलिस को हजारों की नकदी समेत 5 लाख से ज्यादा के आभूषण और भारी मात्रा में असला मिला है। देखिए, ये सयाना पुलिस और खानपुर पुलिस के संयुक्त प्रयास से ये बहुत शातिर डकैतों का गिरोह है जो चोरी के इरादे से घरों में घुसते हैं। अगर लोग जग गए तो डकैत बन जाते हैं। इनके पास वेपन्स रहते हैं और उससे डरा धमका करके घर में जो सामान है उसे ले जाते हैं। 7 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 3 महिलाएँ हैं, 4 पुरुष हैं। महिलाओं का काम है घरों की रेकी करना और उनके आंतरिक घर की स्थिति के बारे में परिवारिक जनों को सूचित करना। फिर परिवारिक जन रात में उन घरों में पीछे से या सीढ़ी से चढ़ करके छतों पर जाते हैं और घर के अंदर प्रवेश करते हैं, और जब इन्हें लगता है कोई जग गया है तो असलहे के बल पे उसको ओवरकम करके फिर घटना कारित करते हैं। इनकी गिरफ्तारी से 6 अपराधों का अनावरण हुआ है बुलंदशहर का। 2 मुकदमे अमरोहा जनपद के खोले गए हैं जो इनके द्वारा घटनाएं कारित की गई हैं, और इस तरह से कुल 8 मुकदमों का अनावरण अमरोहा और बुलंदशहर पुलिस दोनों जनपदों के पुलिस के स्तर पर हुआ है। महिलाएं इसमें कितने शामिल हैं? इसमें 3 महिलाएं हैं ये और 4 पुरुष हैं। सब बरामद किया कभी? और इनके कब्जे से 48,000 रुपये कैश मिले हैं, 5 लाख रुपये मूल्य के आभूषण हैं और 4 तमंचे कारतूस आज भारी संख्या में प्राप्त हुए। डकैती के 4 पुरुष सदस्यों और 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए शुभम शर्मा की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।